अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मियां आरिफ, एआर स्टेटेड बिल्डर्स, बैरियटाउन कराची से। बैरियटाउन में माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हो रही हैं। आज 5 जुलाई है और कल जो है ना 4 जुलाई को जितनी बारिश हुई है, 4 से 5 घंटे लगातार बारिश हुई है, लेकिन बैरियटाउन का माहौल ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। रोडों में ना कहीं पानी खड़ा हुआ था ना कुछ भी, और बड़ा ही मौसम प्यारा हो गया था। और आज 5 जुलाई है और आज भी माशाल्लाह जो है ना वो बारिश हो रही है और ज़बरदस्त लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं बैरियटाउन के अंदर। कराची शहर का तो यकीनन सबको पता होगा, लेकिन बैरियटाउन का हवाल मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो बारिशों में आप इंजॉय करते हैं और ना कि आपके लिए कोई परेशानी होती है। जितनी मर्ज़ी बारिश हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर माशाल्लाह ऐसा बना हुआ है कि कहीं भी पानी खड़ा नहीं होता, और हिल्स एरिया है और पानी की निकासी और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ज़बरदस्त किस्म का माहौल होता है। पानी कहीं भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ का भी यही हाल है, माशाल्लाह खूबसूरत है। ये कमर्शियल जोन है बैरियटाउन का, यहाँ भी आप देख सकते हैं बारिशों के बावजूद ये ज़बरदस्त किस्म का माहौल है माशाल्लाह। जो लोग बैरियटाउन में घर बना के रह रहे हैं उनकी लाइफ बड़ी ही ज़बरदस्त है। एक तो इस तरह की बारिश में शहर में लाइट फौरन चली जाती है, यहाँ पर लाइट नहीं जाती। और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक दिन बारिश अगर हो जाए, 1-2 घंटे भी हो जाए, तो शहर में तो आपका समझ लें घर से निकलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कराची शहर की बात कर रहा हूँ, लेकिन बैरियटाउन के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो आप बारिश के अंदर भी इंजॉय करते हैं। ये मैं आपको बैरियटाउन का जो हेड ऑफिस है, इसके सामने जो कमर्शियल जोन है, ये मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ देखें बेहतरीन माहौल है। इस ज़बरदस्त किस्म की बारिश के अंदर भी ये माहौल है माशाल्लाह। कल 4 से 5 घंटे बारिश रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी किसी को परेशानी नहीं हुई। अल्लाह की रहमत आई है और माशाल्लाह लोगों ने इंजॉय किया है। और जो कराची शहर से कुछ दोस्त बता रहे थे वो बड़े परेशान हैं। और थोड़ी सी बारिश कल कराची शहर में हुई थी, लेकिन बैरियटाउन में तो कल ज़्यादा हुई थी, लेकिन थोड़ी सी बारिश की वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए। ये आप देख लें, ये एरिया भी मिडवे कमर्शियल है, मिडवे बी साइड है। इस तरह के माहौल में यहाँ लोग बाहर निकलते हैं घरों से। खाने पीने के ब्रांड्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह लाइफ है। ये सारा ऑफिसेज का एरिया है। अगर ये कोई ऑफिस वगैरह यहाँ पर लोग परचेज़ करते हैं तो रेंटल इनकम के लिहाज से रेंट पे दे देते हैं। ये मिडवे कमर्शियल जो है बी साइड है, और मिडवे कमर्शियल ए साइड भी है, वो भी हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने है, ये भी हेड ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये देखें माशाल्लाह बैरियटाउन की खूबसूरती आप देखें। ये जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं ये इतनी साफ़ सुथरी और ज़बरदस्त किस्म का जो एलिवेशन है, कराची शहर के अंदर आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा। ये बैरियटाउन ही वाहिद एरिया है जहाँ पर आपको दुबई अबू धाबी जैसा माहौल मिल रहा है माशाल्लाह। यहाँ पर ऑफिस की सेल परचेज भी होती है, इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ऑफिस में मिलते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है,
किसी किस्म की मालूमत अगर आपको चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगी। माशाल्लाह क्या बात है, बारिश मुसलसल जारी है माशाल्लाह, और आप ये माहौल देख रहे हैं। बारिश का मौसम हो तो सिर्फ आप जो है ना वो गाड़ी के अंदर बैठ के भी बड़ा ज़बरदस्त इंजॉय करते हैं। और यहाँ अभी मैं आपको कुछ ऐसा एरिया भी दिखाऊंगा, लेकिन वो रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन मैं दूसरी वीडियो में वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर जो लोग इंजॉय करते हैं ऐसे मौसम को, तो बच्चे वहाँ टावरों के बाहर जो है ना वो प्ले कर रहे हैं, ज़बरदस्त इंजॉय करते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा। ये कमर्शियल एरिया का हाल अहवाल मैंने आपको दे दिया, और मैं आपको इस एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन भी जो है ना दिखाना चाह रहा हूँ। ये मिडवे कमर्शियल है, बी साइड है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये बैरियर टाउन का जो हेड ऑफिस है, जो कोई भी प्रॉपर्टी हम बेचते हैं तो यहाँ सामने हेड ऑफिस में ये ट्रांसफ़र होती है। अब मैं आपको कुछ एरिया, ये बहरिया टाउन के हेड ऑफिस के उस तरफ है जो कि मिडवे ए साइड है, मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ। आप वीडियो में मेरे साथ रहें। ये मेरे राइट साइड के ऊपर सिनी कोड सिनेमा है बहरिया टाउन का, जो कि ऑपरेशनल भी है। ये मिडवे कमर्शियल की ए साइड है जो कि बहरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है बैरियर टाउन की किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर हो उसका ट्रांसफ़र सिस्टम है। ये सामने जो एरिया है ये कार पार्किंग है बैरियर टाउन के हेड ऑफिस की, और ये मैं आपको अब मिडवे ए साइड का एरिया दिखाने लगा हूँ। माशाल्लाह ये टोटली जितना भी एरिया ये मिडवे ए साइड है, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, कमर्शियल एरिया ऑफिस की अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन आज तो हम आपको माहौल दिखा रहे हैं बहरिया टाउन की बारिश का। ये जितने भी यहाँ पर प्लाजे हैं जो ज़ेरे तामीर हैं, और यहाँ पर भी माशाल्लाह फिर भी सफाई सुथराई का माहौल इतना ज़बरदस्त है कि हर चीज़ के एक रूल रेगुलेशन है कि आप मेन रोड के ऊपर कोई मिट्टी नहीं फेंक सकते, किसी किस्म का सीमेंट वगैरह नहीं फेंक सकते।